नमस्कार विद्यार्थियों, रीट लेवल वन की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए दोस्तों विशेष सूचना। सबसे पहले तो दोस्तों आपको ये बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से ऑफलाइन बैच होता है, उस ऑफलाइन बैच में संस्था का जो डायरेक्टर होता है वो समय समय पर कक्षा में आकर बच्चों को गाइड करता है और उसको दोस्तों बताता है कि कितना कोर्स अपना हो गया, क्या बातें, सारी बातें वो ऑफलाइन में क्लासरूम में आके बताता है। अब सबसे बड़ी बात दोस्तों, अपनी कोई क्लास नहीं है और आप सब लोग बताएं राजस्थान के कौन कौन से कोने में बैठे हो दोस्तों, तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि आपके सामने बार बार हर एक दो दिन बाद या हर एक दिन आप लोगों के सामने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। मेरी बात को ध्यान से सुनना मित्रों, आज एक तो आप लोगों के लिए कुछ नया हम प्लान कर रहे हैं दोस्तों, जो आपकी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत कर सके। इस श्रृंखला में सबसे पहला तो हो गया दोस्तों, कल से हरीश सर के द्वारा आधे घंटे का एक डाउट सेशन रखा जाएगा। अब ये डाउट सेशन का मतलब क्या होगा सुनिए दोस्तों, इसका होगा कि हरीश सर का जो वीडियो होगा उस वीडियो के नीचे आप दोस्तों को कोई भी प्रश्न जो है जो आपको समझ में नहीं आ रहा उस प्रश्न को आप नीचे लिख देना। लिखने के बाद आपको दोस्तों हरीश सर उसको क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे या उसको टाइप करा लेंगे और आपको प्रश्न आपको अगले दिन कक्षा में सोल्व कराया जाएगा। जैसे सपोज करो हरीश सर आज क्लास ली, क्लास में आपको कोई प्रॉब्लम आई, अब प्रॉब्लम क्लास के अंदर बताना तो संभव नहीं है, तो आप उस वीडियो के नीचे कमेंट में डाल देना, कमेंट में हरीश सर कमेंट देखेंगे, कमेंट देखने के बाद आपको अगले दिन दोस्तों क्या करेंगे डाउट्स आपका सोल्व किया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे सारे वो 500 प्लस विद्यार्थी जो वाकई में डेडिकेशन के साथ पढ़ रहे हैं वो डेली कमेंट करेंगे। 500 कमेंट तो मत करना दोस्तों, इतने सारे क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाएंगे, लेकिन वाकई में आपको लगता है कि ये प्रश्न एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आ सकता है तो इसको लिखना जरूरी है, तो वही प्रश्न आप लिखिए दोस्तों और हरीश सर भी उन्हीं प्रश्नों को सोल्व कराएंगे जो एग्जाम में आने वाले। ओके, एक तो ये आप लोगों के लिए नया होगा। दूसरा नया मैं कर रहा हूँ आप लोगों के लिए दोस्तों कि अब आप लोगों को बता दूंगा जल्दी ही दोस्तों आपके 15 जुलाई तक हरीश उमेश सर की क्लासें कंप्लीट होने वाली है। उमेश सर का दोबारा दो, उमेश सर ने दो बार आपका कोर्स कंप्लीट करा दिया। अब उमेश सर क्या करेंगे पता है आपको दोस्तों, उमेश सर अब करेंगे दोस्तों 15 जुलाई के बाद आपको साइकोलॉजी के 5000 प्रश्न कराने वाले हैं। उनकी खुद की अपनी एक बुक आ रही है, उस बुक में से वो 5000 प्रश्न आपको साइकोलॉजी के कराएंगे और उनको पूरे डिटेल के साथ आपको बताने वाले हैं। ओके, अब तीसरा नया क्या होगा दोस्तों, सबसे पहले बोलना ये बुक जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये बुक उम्मीद करता हूँ आप सभी के पास होगी। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको ऑर्डर करके मंगा लीजिए। तो ऑर्डर कैसे करोगे, इसका लिंक दोस्तों, इस बुक का जो ऑनलाइन लिंक है मैं इसके अंदर डाल दूंगा। ये बुक आप लोगों के लिए जरूरी है, लेकिन इस बुक का क्या जरूरी है दोस्तों बताऊंगा। इस बुक में से अगर छोटी मोटी कोई गलती होगी उन गलतियों का मैं समाधान कर दूंगा। जैसा कि मैंने कल पढ़ाया था आप लोगों को राष्ट्रीय प्रतीक में एक टॉपिक था राष्ट्रीय जलीय जीव, तो राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा, गंगा डॉल्फिन। ओके, गंगा डॉल्फिन जो है मित्रों, जिसको सुंस भी कहा जाता है, जो एक राष्ट्रीय जलीय जीव है। ओके मित्रों, इसकी इसको जो राष्ट्रीय जलीय जीव का जो मतलब बनाया था वो बनाया था 28 मई 2010 को, जबकि बुक में 5 अक्टूबर 2009 लिखा हुआ, तो उसको करेक्शन कर लेना, छोटा मोटा करेक्शन मैं आपको कराता रहूंगा दोस्तों, उसकी टेंशन आप लोग मत लो। इस बुक को आपको लेना जरूरी है, ये बुक आपके लिए बहुत काम आएगी, बुक तो काम आएगी क्या आएगी, प्लस मेरे वीडियो भी आपके साथ काम आएंगे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ओके, इसके अलावा दोस्तों बता दूं कि आप लोगों को आज मैं पढ़ाऊंगा राष्ट्रीय पर्व का टॉपिक। देखो मित्रों, अभी हमारा टॉपिक चला हमारी सभ्यता और संस्कृति को लेकर, हमारी सभ्यता और संस्कृति में राष्ट्रीय प्रतीक मैंने करा दिया, राष्ट्रीय पर्व आज करा दूंगा। राष्ट्रीय पर्व का टॉपिक कराते ही आज उसके प्रश्न भी आपको करा दूंगा, जो भी इंपॉर्टेंट राजस्थान के मेले और त्यौहार हो चुके हैं, फिर राजस्थान की वेशभूषा और आभूषण ले लूंगा। वैसे तो राजस्थान की वेशभूषा और आभूषण आपको करा दिए गए, लेकिन दोबारा आपको करा दिए जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, मैं कुछ बातें आपको बताना चाहूंगा, उन बातों को थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। और मैं आपसे वादा करता हूँ दोस्तों, आपको सिलेक्शन तक ले जाने के लिए मैं और मेरी टीम आप लोगों के साथ है। एक तो देखो दोस्तों, आपको कुछ अपने टाइम टेबल को मैनेज करना है, मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करना है, सेल्फ स्टडी करने की जरूरत नहीं है। अब तुमको सर यार ये क्या बात है, आपने सेल्फ स्टडी के लिए क्यों मना कर दिया, तो सेल्फ स्टडी के लिए इसलिए मना कर दिया मेरे लाडलो कि सुबह 11 से लेकर 1 बजे तक आप हरीश सर के साथ रहना। हरीश सर आपको पढ़ाएंगे भी और आपको कक्षा कक्ष में प्रैक्टिस भी कराएंगे और एक प्रश्न के साथ साथ कई बातें आपको और बताएंगे, तो आपको खुद मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप तो लाइव क्लास में आ जाना, चुपचाप कॉपी और पेन लेकर बैठना और हरीश सर जैसे जैसे बताते हैं उनको सोल्व करते जाना और हरीश सर आपको बताते जाएंगे प्रश्न भी आपको। अगर आप एक्स्ट्रा पढ़ते हो इच्छा है, लेकिन दोस्तों 2 घंटे की कक्षा में मेरी कक्षा में सब लोग रहोगे जो 500 प्लस विद्यार्थियों में शामिल होना चाहते हो और डेडिकेशन के साथ पढ़ना चाहते हो। फिर आता साइकोलॉजी, साइकोलॉजी में उमेश सर आपको पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। 15 जुलाई के बाद साइकोलॉजी की 2 क्लास चलेगी जिसमें उमेश सर आपको 25 प्रश्न सुबह कराएंगे और 25 प्रश्न शाम को कराएंगे। डेली के 50 प्रश्न आपको कराने वाले, डेली के 50 प्रश्न आप लोगों को कम से कम कराएंगे या डेली के 100 प्रश्न भी आपको करा सकते हैं उमेश सर, ठीक है। और मैराथन तो हम लेंगे, ठीक है। तो साइकोलॉजी अगर पढ़नी है ना तो आपको उमेश सर के साथ पढ़नी है। और एक बात है दोस्तों,
साइकोलॉजी अगर कहीं पढ़ो तो एक टीचर से पढ़ना, अगर बार बार अनेक अलग अलग प्रकार के टीचरों से अगर साइकोलॉजी पढ़ोगे ना तो आप लोग खुद कन्फ्यूज होंगे। और मेरे 500 प्लस विद्यार्थी मेरे से पढ़ रहे हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। ओके, ईवीएस मैं पढ़ा रहा हूँ हिंदी की शिक्षण विधियों के लिए, रात को जो क्लास होती है जो आपकी 11 से लेकर 12 बजे या 12:30 1 बजे जो क्लास रहती है वो क्लास आपको डेली देखनी है। हिंदी की शिक्षण विधियों की क्लासें लगातार चलेगी क्योंकि मेरा मानना है कि हिंदी की शिक्षण विधियों से 15 प्रश्न आते हैं और 15 प्रश्नों के लिए दोस्तों मैं आपको 500 से भी ज़्यादा प्रश्न कराने वाला हूँ। अब तक मैंने 60 प्रश्न करा दिए, आज आपको 30 प्रश्न कराऊंगा। आप काउंट कर देना, 500 हिंदी की शिक्षण विधियों के प्रश्न पूरे पोस्टमार्टम के आधार पर कराऊंगा। तो मैं देखता हूं कि एग्जाम में प्रश्न कहां से बनाता है और सिलेबस के अकॉर्डिंग बात अपन करेंगे। ओके, तो काम की बात यही थी। एक तो ये बुक जिसके पास नहीं बुक ऑर्डर करके मंगा लेना दोस्तों, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये मेरा आशीर्वाद समझ लो, ये बुक दोस्तों आप लोगों के लिए पास होनी चाहिए। इससे होगा दोस्तों आप लोग मेरे से कनेक्ट रहोगे, इस बुक के आधार पर आप मेरे से जुड़े रहोगे और इस बुक के प्रश्न भी आप लोग सोल्व करते रहना। और इस बुक में अगर कोई छोटी मोटी गलतियाँ होगी उनको बस सुधारता रहूँगा, कोई टेंशन लेने की आपको किसी बात जरूरत नहीं है। और कोई गलती अगर होती है तो मेरे वीडियो को देख लेना, वीडियो में मैंने सुधार कर रखा है, वीडियो में सारी बातें मैंने बता रखी। ओके, तो मेरे प्यारे साथियों उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको समझ में आ रही होगी और आप सभी लोग पूरी तरह से तैयारी करोगे। 26 सितंबर को फतेह हासिल करनी है, अच्छे से पढ़ना है, डरना बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, डरने की तो जरूरत नहीं है दोस्तों। अच्छा दोस्तों हिंदी के लेकर आपको टेंशन लेते हैं तो हिंदी में क्या है दोस्तों, या तो पढ़ संधि समास प्रत्यय विलोम शब्द मुहावरे तो आप भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये चीज़ आप करते रहो, जब तक हमको हिंदी का बेस्ट टीचर ना मिले तब तक आप अपनी तैयारी खुद करते रहो। ओके, तो मेरा उम्मीद करता हूँ संस्कृत के लिए भावेश सर ने आपको पूरा पढ़ा रखा है, भावेश सर के वीडियोज़ को देखकर दोबारा रिविजन करना शुरू कर दिए, या हो सकता है मैं भावेश सर को वापस बुलाकर आपका रिविजन भी कराने की कोशिश करूँगा। ओके, तो रीड को लेकर सारी जो प्लानिंग मैंने कर रखी है दोस्तों, बस उस प्लानिंग के साथ पढ़ते रहिए और खुद एक दो घंटे सेल्फ स्टडी, आप कोई भी अगर सब्जेक्ट पढ़ना चाहो, देखो मैथ्स हमारे हवाले कर दो, साइकोलॉजी हमारे हवाले कर दो, ईवीएस और टीचिंग मेथड, ओके ये चार सब्जेक्ट, और इंग्लिश ये पांच सब्जेक्ट तो हमारे हवाले कर दो, दिक्कत संस्कृत और हिंदी में वो आप दे। अच्छा, हिंदी का भी आधा पोर्शन तो हमारे हवाले है ही, बस आधे पोर्शन की दिक्कत है और संस्कृत की तैयारी अपने हिसाब से शानदार तरीके से आप लोग करते रहो। ओके, उम्मीद करता हूँ मेरे पहले साथियों आप लोग बहुत ही अच्छे से करोगे। अच्छा मित्रों, एक बात बताऊंगा, मेरा एक व्यक्तिगत अनुभव कहता कि संस्कृत के लिए आप लोग अपनी तैयारी करो, और मेरा एक अनुभव कहता है संस्कृत के लिए हमारे खुद के स्टाफ के हैं दोस्तों, मेरे जानने वाले लोकेश जी सर, वो भी आपको बेस्ट पढ़ाते हैं, लोकेश जी सापल्ले वाले उनसे आप पढ़ सकते हो दोस्तों, वो भी आपको बेस्ट तरीके से पढ़ाते हैं, तो आप उनकी भी तैयारी कर सकते हो, वहाँ से जाकर भी आप देख सकते हो, कोई इशू नहीं दोस्तों। ओके, तो आप चाहे जितना पढ़ सकते हो, मेरे को इससे कोई इशू नहीं है, लेकिन जहाँ भी पढ़ो अच्छे से पढ़िए, शानदार पढ़िए और गजब तरीके से आप लोग पढ़ते रहिए। ओके, टेक केयर मित्रों, बेस्ट ऑफ लक, आप 500 प्लस विद्यार्थियों में शामिल हो ये हमारी आशा है, हमारी उम्मीद है, बस आप लोग तैयारी करते हैं। ओके, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।